यूं तो शिव ठाकरे की अगर मैं करूं बात, तो ये कहना जायज होगा कि शिव ठाकरे ने बहुत कम टाइम में ही लोगों के दिल में अपना एक खास जगह बना लिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शिव ठाकरे बहुत जल्दी ही कलर्स का एक रियलिटी शो जिसका नाम है खतरों के खिलाड़ी, इसमें बहुत जल्दी ही नजर आने वाले हैं एज अ कंटेस्टेंट के रूप में। लेकिन एक खबर सामने आ रही है कि शिव ठाकरे अपने जितने भी फैंस और जितने भी उनके तमाम चाहने वाले हैं सभी को हर एक स्टंट के साथ साथ खुद को बेटर प्रूफ करके बेटर परफॉर्मेंस देके नजर आने वाले हैं और उसकी तैयारियों में शिव ठाकरे जुट चुके हैं। जैसे कि हमें पता है कि शिव ठाकरे देसी बंदे हैं और गांव में भी रह के वो फिर शहर में आए हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको आइडिया है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना, जिस चीज़ का इम्प्रूवमेंट होने से ही वो चीज़ पर हम परफेक्ट बन सकते हैं। शिव ठाकरे किस तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए, आइए नजर डालते हैं इस वीडियो में, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगी वो सारी चीजों से कि शिव ठाकरे किस तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त और शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दो, यूं तो शिव ठाकरे खतरों के खिलाड़ी में नजर आने ही वाले हैं, लेकिन शिव ठाकरे काफी सारे स्टंट्स के बारे में आप कह सकते हैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप सोच रहे हो कि कैसे, क्या शिव ठाकरे इस बारे में कोई रिवीलेशन किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है। और इस वीडियो के जरिए से मैं एक और वीडियो भी यहाँ पे एट द एंड ऑफ द वीडियो में अटैच करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि शिव ठाकरे किस तरीके से अंडर वाटर स्टंट्स के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हम कह सकते हैं कि स्विमिंग जब कोई सीखता है तो उसके 3 स्टेजेस रहते हैं स्विमिंग सीखने का। एक सिंपल रहता है, एक मीडिएटर रहता है, और एक जो मेजर रहता है, जो कि अंडर वाटर रह के ही हमें कोई स्टंट करना रहेगा या अंडर वाटर रह के स्विमिंग करना रहेगा, जिसमें अक्सर लोगों को सफोकेट हो जाते हैं, लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन शिव ठाकरे उसमें वो ऐसे स्टंट में बखूबी नजर आए, इसलिए उन्होंने अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर लिया है। आप सोच रहे हो कैसे, तो देखिए फिर ये वीडियो। बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फोर्स।